नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बिंद में बड़ी बड़ी खबरों को लेकर के चर्चाएं रहती हैं, जहां आप लोगों को बता दूं कि जलप्रपात को देखा जा रहा है किस टाइम पर, कहीं ना कहीं बारिश के चलते जलप्रपात लोग दर्शनीय स्थल पर पहुंचते हैं, जिसमें अभी हाल ही में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई है। जो ये मामला सिंगरौली के रहने वाले निवासी हैं और इनकी जान छत्तीसगढ़ में जा रही, क्या पूरा मामला है आप लोगों को अवगत करवाऊंगा। बता दूं कि रमदाहा जलप्रपात में लगभग 3 लोगों का शव मिला, और इसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई और कुछ लोग जो कि नहा रहे थे पानी में, वहीं अचानक से बाढ़ आने के कारण, जिस दौरान बाढ़ आती है तो उस पानी के लपेटे में आ जाते हैं, जो कि साथ में ही बह जाते हैं। उस बहाव में 3 लोग जो कि कहीं ना कहीं उनका जल्द ही शव मिल जाता है, लेकिन और जो 3 लोग रहते हैं उनको ढूंढने में लगभग कई घंटों रेस्क्यू चलता है, फिर भी उनकी बॉडी नहीं मिल पाती। पूरा मामला क्या है आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदाहा जलप्रपात में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 3 लोगों का परिवार जो है यहां पर पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था, इसके बाद 7 लोग जलप्रपात में नहाने गए थे। उसी दौरान जलस्तर बढ़ने से 7 डूब गए थे, इसमें से एक युवती को बाहर निकाल लिया गया था, बचा लिया गया था, जहां मगर देखा यह जा रहा कि 6 लोगों की तलाश जारी थी। बाद में 3 लोगों के शव बरामद किए गए थे। इसके बाद सोमवार को 3 और लोगों के शव बरामद हुए। मरने वालों में से एक ही परिवार के 2 बेटियां सहित 3 लोग शामिल हैं, यानी कि मामला कोटाडोल थाना क्षेत्र का है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के रहने वाले 3 अलग अलग परिवार के करीब 12 लोग रविवार को यहां पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। पिकनिक मनाने के बाद सभी नहाने चले गए थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया था। हादसे के बाद आसपास के लोगों की मदद से 2 लोगों को कुछ देर के बाद ही निकाल लिया गया था, लेकिन एक युवक की तब तक जान जा चुकी थी। वहीं एक युवती को तुरंत ही पास के अस्पताल में भेजा गया था, जिसके बाद उसका उपचार जारी हुआ। इधर घटना के बाद ही तुरंत पुलिस को और प्रशासन को इस घटनाक्रम की जानकारी दी गई, जहां प्रशासन को भी इस घटनाक्रम के बारे में बताया गया था। खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर गोताखोरों को भी बुलाया गया और गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही। जहां लोगों को बता दूं, तलाशी के दौरान ही रविवार शाम तक 2 और शव बरामद कर लिए गए थे। कुल मिलाकर के रविवार को शाम को 3 शव जलप्रपात के अंदर ही निकाले गए थे। जहां आप लोगों को बता दें कि जलप्रपात से निकालने के बाद वहीं शाम को रविवार को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, जो कि अंधेरा हो चुका था। अगले दिन सोमवार को फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां गोताखोर सुबह से ही लापता लोगों की तलाश में लग गए थे। इस बीच सुबह 11 बजे के आसपास एक युवक का शव मिला, इसके बाद धीरे धीरे करके 2 शवों को बरामद कर लिया गया। सोमवार को भरतपुर सोनहट से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो भी मौके पर मौजूद रहे। जहां आप लोगों को बताना चाहूंगी, दामाद और 2 बेटों की मौत जो हुई है वो कैसे, पूरी वारदात आप लोगों को ये भी बता दूं कि घटना की सूचना मिलते ही सिंगरौली के रहने वाले योगेंद्र सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे में योगेंद्र सिंह ने अपने 2 बेटों को खो दिया। इसी तरह बेटी की जान बच गई, लेकिन उनके दामाद ऋषभ सिंह हादसे का शिकार हो गया। वहीं उनके अन्य रिश्तेदार अनिल सिंह ने भी अपने बेटे ऋषभ सिंह को हादसे में गंवाया। कमलेश सिंह ने भी अपने 3 संतानों को खो दिए। जहां इस हादसे में कमलेश सिंह की 2 बेटियां सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। बेहद दुखद घटना ये जो कि सामने आई, जहां पर लगातार 6 लाशें निकली, एक ही परिवार के 2-2 करके जहां देखने को मिला कि 3 परिवारों में मातम छाया हुआ है। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके की वारदात ये पहली बार नहीं हुई, कहीं ना कहीं इनमें लापरवाही भी देखी जाती है कि जब इंसान नहाने जाता है या पिकनिक पर जाता है, उस दौरान मुझे सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता होती है तो इन सब चीजों की कि हम सावधान रहें, ये भी देखते रहें कि बाढ़ कहीं ऐसा तो नहीं कि बाढ़ आ रही हो और उसके लपेटे में आ जाए, और इस तरीके का जो ये मातम छाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये जो दर्द कि एक ही परिवार के इतने लोग सिमट रहे हैं उस दर्द के मातम में, ये बेहद दुखद खबर रही। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिनके शव बरामद हुए उनका नाम क्या है। तो पहला जो कि हिमांशु, पिता कमलेश सिंह, जिनका उम्र जो है 18 साल है, जो कि निगाही सिंगरौली के रहने वाले हैं। दूसरे रत्नेश, पिता योगेंद्र सिंह, जो कि 26 साल के निवासी साकिन जयंत सिंगरौली के रहने वाले हैं। श्रद्धा, पिता कमलेश सिंह, जो कि 14 वर्ष के हैं, निवासी सिंगरौली निगाही के रहने वाली, जो कि श्रद्धा पिता यानी कि श्रद्धा जो बेटी है इनकी। वहीं ऋषभ, पिता अनिल सिंह, जो कि
24 साल इनकी उम्र है। साकिन माजन मोड़ सिंगरौली के निवासी हैं। श्वेता पिता कमलेश सिंह निवासी सिंगरौली निगाही के रहने वाले। और सबसे लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभय सिंह पिता योगेंद्र सिंह जिनकी 22 साल उम्र है, निवासी जैन सिंगरौली के रहने वाले हैं, यानी कि रहने वाले सिंगरौली के। और इनकी मौत जो है हुई छत्तीसगढ़ में, बेहद दुखद खबर जो सामने आई। और वाकई में ऐसा जो ये मामला देखने को मिल पा रहा है, ये खुद की लापरवाही और असावधानी यानी कि सावधानी ना बरतने के कारण ही ऐसा मामला सामने आया। हालांकि मैं भगवान और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके पूरे परिवार को ये दर्द, ये पहाड़ जो है, जो कि एक दुख का पहाड़ टूटा है, उनको सहने की क्षमता दे। धन्यवाद। ऐसे खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। नमस्कार, जय हिंद।